मैं एक अपर कास्ट होने के बावजूद, प्रिविलेज्ड होने के बावजूद इसका विरोध कर रहा हूँ कि ये कानून मुस्लिम विरोधी तो है ही है, उसके साथ में जो दलित हैं, आदिवासी हैं, माइग्रेंट हैं, मैं पूर्वांचली व्यक्ति हूँ और पूर्वांचल के मजदूर भारत के हर कोने में काम करते हैं और उनके पास बेसिक कागज नहीं अवेलेबल होते, उनके कहीं अधिकारों की बात नहीं होती है। कागज होने के बाद भी हम कागज नहीं दिखाएंगे। भाई हम आपको वोट दिए थे, आप वोट मांगने से पहले तो ये हमको नहीं बताए थे कि हम ऐसा करने वाले हैं। आप चौथे पांचवें पन्ने छठवें पन्ने में फुट नोट्स की तरह आप उपयोग किए थे। आप क्या करना चाहते हैं? आप हिंदू मुसलमानों को बांट देना चाहते हैं? यही आपकी राजनीति है? मेरा नाम कार्तिकेय शुक्ला है, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। अभी गांधी शांति यात्रा के बीच से मैं आया दिल्ली में, जो उनके काम होंगे उनको आगे किया जाएगा। इस यात्रा का मकसद यही था कि गांधी की हत्या हम दोबारा इस देश में नहीं होने देंगे, CAA का विरोध करेंगे, संविधान के वैल्यूज को हम बचाएंगे, हिंदू मुस्लिम और अन्य जातियों और धर्मों के बीच की एकता को हम मजबूत करेंगे और गांधी के हम संदेश को आगे बढ़ाएंगे, गुड़सेवादियों के खिलाफ हम जमकर एक साथ मिल के विरोध करेंगे और उनको देश तोड़ने हम नहीं देंगे। दूसरा, मैं CAA कानून के खिलाफ इसलिए हूँ कि यह एक तरीके से भाजपा की राजनीतिक चाल है जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव पैदा हो, क्योंकि इनका कुछ ऐसा मकसद नहीं है। यदि आप इनका रजिस्टर वाले जो प्रोग्राम है आप आसाम में देखेंगे, उससे जो निकल के आया ऐसा कुछ नहीं कि घुसपैठिए या ऐसे इस तरीके की कोई सिचुएशन है, उसको टैकल करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फ्रेमवर्क बने हुए हैं। यदि इनको इतना ही मन था कि हिंदू या चाहे ईसाई चाहे बुद्ध जो हैं उनको ये लाना चाहते हैं, तो भाई आप चीन में भी तो अब बुद्धिस्ट हैं, क्यों नहीं उनको, हम लोग इतने साल से शरणार्थी बने हुए हैं, हम उनको नागरिकता क्यों नहीं दे पा रहे हैं। चाहे आप देखिएगा तमिल की जो बात है श्रीलंका में, उनको हम क्यों नहीं सुरक्षा दे पा रहे हैं, उनको क्यों नहीं नागरिक बना पा रहे हैं। इनका पूरा मकसद ये है कि कुछ नहीं करना है, बस आपको ये बांध के रखेंगे, असल मुद्दों से हटा के रखेंगे। जो वो करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में बना रहे और उनकी रोटी वो सेकते रहें, हिंदुओं को जो है मोबिलाइज करें, उनको गुमराह करें, उनके युवाओं को रोजगार ना दे के मुसलमानों के खिलाफ जो है एकजुट करें, उनको गोलबंद करें और दंगा फैलाएं। एक तरीके से देखा जाए तो दंगा ही फैलाने के ये तरीके, क्योंकि जो पैसे खर्च होंगे वो कहाँ से ये ला के देने वाले हैं, उनके पास तो है नहीं। इकोनॉमिक स्लो डाउन है, सरकारी कंपनियों को ये बेच रहे हैं, इनके पास रोजगार नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक साथ कर देने को अलग अलग कर देने में ये शायद कामयाब होना चाहते, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ना वो जनरेशन है, हम लोग न्यू मिलेनियल्स लोग हैं, हम लोग मिल के उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। अभी यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में गांधी शांति यात्रा दिल्ली पहुंचेगी 30 को। अभी वो लोग राजस्थान में हैं, मैं राजस्थान में उनके साथ में था, भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा, जन समर्थन मिल रहा, विश्वविद्यालय के छात्र उनके साथ मिल रहे हैं, महिला ग्रुप उनके साथ मिल रही हैं और वो अपनी समस्याएं शेयर कर रही हैं। अगला उनका पड़ाव उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश में वो चार जगहों पर आएंगे, आगरा, लखनऊ, अलीगढ़ और बरेली, इन चार जगहों पे वो आने वाले हैं और अन्य भी शहरों पे वो आएंगे 30 तारीख को, जिस दिन गांधी को शहीद कर दिया गया था, गांधी जो भारत को एकजुट करने के लिए अपनी शहादत दी थी उसके सम्मान में, उसको बचाने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट आना होगा। NRC CAA के खिलाफ हम लोगों को एकजुट खड़ा होना होगा, हम लोगों को समाज टूटने से बचाना होगा। हम भगत सिंह, राजगुरु और सबसे बड़ी बात है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू और अंबेडकर का है, अंबेडकर का जो संविधान है और नेहरू की जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वही असली एक तरीके से हमारी आइडेंटिटी है और जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बचाना होगा, हम उसके लिए लड़ाई करेंगे। आप सभी लोगों का जन समर्थन हम लोगों को चाहिए। मैं युवाओं से अपील करूँगा कि जहाँ भी इस तरीके से संवाद हो रहे हैं, युवा नेता या पुराने नेता या किसी भी पार्टी के नेता जो एक भारत को एकजुट रखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आप समर्थन दें, उनके साथ खड़े हों और जहां भी जिस भी आप स्थित में हैं आप इसके NRC CAA के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि याद रहे कि आने वाली नस्लें आपसे प्रश्न पूछेंगी, जैसा हम लोग आज के वक्त में, मैं समाजवादी हैं जसवंत सिन्हा, लेकिन मैं उनको प्रश्न पूछा
कि आप कहाँ थे जब आप भाजपा या संघ के साथ खड़े थे, क्या आपको पता नहीं था कि ये इन लोगों की बुनियाद ही बांटने के लिए बनी हुई है। तो मैं आप सभी लोगों से, आप सभी युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी मजहब का, इवन मैं अंतर्राष्ट्रीय भी जो लोग हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इसको आप रोकने का प्रयास